याद रखना नेल्सन, आज के बाद यदि हमने तेरा चेहरा भी देख लिया तो वो तेरे जीवन का अंतिम पल होगा। और ये लक्ष्मी बाई का मां दुर्गा को दिया हुआ वचन है। इस तलवार को छूकर अपवित्र मत कीजिए श्रीमंत। तात्या गुरु आप? हाँ मैं। ये तलवार वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की है श्रीमंत, हमारी बाई साहेब की। इसे वापस रख दीजिए। एक गुरु की तलवार अपने शिष्य की गर्दन पर? क्षमा कीजिएगा श्रीमंत, आपके इस क्रूर आचरण ने हमें विवश कर दिया। तो फिर आइए। इस समय हम आपका मान नहीं रख पाएंगे, चले जाइए यहाँ से। और हम भी यहाँ केवल पाई साहब के ही नहीं बल्कि धरती माँ के दुश्मन को दंडित करने आए थे। श्रीमंत अब भी समय है, भाई साहब से क्षमा मांग लीजिए। उनकी दृष्टि में आपका बहुत सम्मान है, वो आपको बड़े भाई से भी ज्यादा मानती है। बस तात्या गुरु, हमने आपको बोलने का अवसर इसलिए दिया कि आप हमारे गुरु रहे, अन्यथा अभी आपको बंदी बनाकर कारागार में डलवा देते। ईस्ट इंडिया कंपनी का शत्रु हमारा शत्रु होगा। धिक्कार है हमारे ऐसे रण कौशल पर जो हमने इसे ऐसे व्यक्ति को सिखाया। इससे पहले कि एक शिष्य अपने गुरु की गरिमा भूल जाए, आप यहाँ से चले जाइए, कहीं हमारा धैर्य न समाप्त हो जाए। और मेरी तलवार भी खून की प्यासी हो रही। Where's नाना साहब? नाना साहब कहाँ? What's going on? कुछ नहीं। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी। तात्या जी, क्या कहा नाना साहब ने? क्या बताएं क्या कहा उन्होंने? हमारे श्रीमंत नाना साहब पत्थर हो चुके हैं, पत्थर। लेकिन वो बस अब किसी से कोई संपर्क नहीं। अब जो भी करना है केवल हमें ही करना है, केवल हमें। झलकारी के होते हुए हमारी महारानी देवी को कुछ नहीं होगा। नहीं झलकारी, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन कल वो उन्हें फांसी देने वाले हैं और मैं यहाँ देखती रहूंगी। धिक्कार है, उनकी जगह फांसी पर चढ़कर अपनी देवी के उपकारों का ऋण चुकाने का इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा? झलकारी, आप धैर्य रखिए। ना तो हम आपको फांसी पर चढ़ने देंगे और ना ही कोई हमारी बाई साहेब को कोई फांसी पर चढ़ा सकता है। हमें कसम है देवी मां की, इन फिरंगियों को इनके घृणित उद्देश्य में सफल नहीं होने देंगे हम। Yeah.
ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो हम सदैव अपने पास रखते हैं, आप इन्हें ले लीजिए, शीघ्र ही आपके घाव भी भर जाएंगे और दर्द भी समाप्त हो जाएगा। महारानी साहब, नेवालकर वंश कभी विश्वास के योग्य था ही नहीं। ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई तो पत्नी बनाने का आदेश देती है। झांसी की रानी बंदी, जकड़ लो इसे बेड़ियों में, हम इसे जंजीरों में जकड़े हुए देखना चाहते हैं। रुको देवी, रुको देवी। लक्ष्मी बाई, नहीं नहीं, महारानी लक्ष्मी बाई, हम जिसे गिरी हुई नीच स्त्री को जिंदा क्यों छोड़ा तूने? मैंने हमेशा तेरा अपमान किया, तेरी हत्या करने का कोई मौका नहीं छोड़ा हमने, परंतु उसके पश्चात तूने हमेशा बहन जैसा व्यवहार बनाए रखा हमारे साथ। किस मिट्टी की बनी है तू? उसी मिट्टी, उसी धरती जहां आपने जन्म लिया है। आपने हमें स्वार्थी कहा था ना, है हम स्वार्थी, बहुत स्वार्थी है हम, परंतु हमारा स्वार्थ अपनी इस धरती से इन धूर्त फिरंगियों को सदैव के लिए मिटा देने का है। आप देंगे हमारा साथ? तुम कोई प्रश्न मत करना, मैं यहां लक्ष्मी बाई को छुड़ाने के लिए और तुम सबकी सहायता करने के लिए आया हूं। कैसे उन्हें स्वतंत्र किया जाएगा ये मैं बताऊंगा। मैं यहां से निकलना होगा। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होगा, मैं ये धूर्त फिरंगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लक्ष्मी बाई को मारने का केवल सपना देख सकते। कई बार इन्होंने हमें मारने का षड्यंत्र रचा, परंतु ये उसमें असफल रहे क्योंकि नियति हमारे साथ थी। जिस दिन हमें आभास हो गया कि नियति हमारे साथ नहीं है, हमारी मृत्यु हमारे निकट होगी। भाई साहब, बातें करो। आप इतनी अचूक सुरक्षा को भेद कर यहाँ तक कैसे पहुंचे? भाई साहब, बस इतना समझ लीजिए कि आपके द्वारा फैलाई गई क्रांति की आग सबके दिलों में जल रही है। हर कोई अपने ढंग से सहयोग देने का प्रयास कर रहा है। भाई साहब, चलिए
यहां से शीघ्र चलिए। चलिए। नहीं भाई साहब, ये अभी नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। परंतु तात्य गुरु, भाई साहब ये यहां रहेगी महारानी लड़ाई सरकार के साथ, ताकि आप पर किसी को कोई संदेह ना हो। अब समझ में आया, तुमने एक बार फिर से हमें अपना रेडी बना लिया जलकारी। नहीं महारानी साहब, आप शीघ्र यहां से चले जाइए। हम शीघ्र ही आप दोनों को यहां से निकाल लेंगे, परंतु उसके पहले हमें अपनी झांसी को छुड़ाना है, और उसके लिए नेल्सन का मरना बहुत आवश्यक है। महारानी लक्ष्मी बाई आ रही है नेल्सन, तू अपने दिन गिनने शुरू कर दे। बच नेल्सन, बच। अरे जाओ, हमसे क्या बात करोगे? तुम सब अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली हो, कठपुतली। तलवे चाटो तलवे। अरे हमको कहे से पहले अपने गिरेबा में झांक के देखो, कल तक तुम इन्हीं अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और तुम्हारी महारानी के हाथों में रह के बात करो। अगर मेरे महारानी के बारे में कुछ बोले तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। चाह के अपने पेशवा से पूछो कितने में बिके हैं उन फिरंगियन के हाथों। हमारे पेशवा सरकार के बारे में अनाप शनाप बोलेगा तो गुद्दे से बाल खींच लूंगा तेरे। बस करो, बहुत हो गया। तुम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया? अरे ये धूल फिरंगियों की चाल है, नीति है उनकी। वो तो ऐसे ही हमको आपस में लड़ाना मराना चाहते हैं, फूट डलवाना चाहते हैं। और तुम जैसे लोग उनके इस चाल में फंस रहे हो। वो ये सब करके हमारे हिंदुस्तान पे राज करना चाहते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आग फैली हुई है। पूरा हिंदुस्तान इन धूर्त फिरंगियों के विरुद्ध खड़ा हो चुका है, और ये फिरंगी इसी क्रांति की आग को दबाना चाहते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि अब बहुत देर हो चुकी है। बस लक्ष्मी बाई जैसे ही इस न्यूज में जुले तो समझ लो इस रिवोल्ट का चैप्टर क्लोज। स्ट्रॉन्ग राइट? बस एक ही झटके में लक्ष्मी बाई का दम निकल जाना चाहिए। ज्यादा भी मिस्टेक हुई तो इसके बदले तुम्हें हैंग करवा दूंगा। मजबूत रस्सी है ये, सन की रस्सी है, सैकड़ों क्रांतिकारियों को इसी से लटकाया है। अगर संदेह है तो इसकी विश्वसनीयता हमें जांच लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स, मैं भी श्योर होना चाहता हूं। बच्चे पर क्रोध क्यों जता रहे? छोड़िए इसे। झांसी का हर बच्चा महारानी लक्ष्मीबाई की भाषा बोलता है। वो आपसे घृणा करते हैं। जिसने इनके हृदय में आपके प्रति नफरत पैदा की है, क्रांति पैदा की है,
उस जड़ को काटिए पहले। You're right, Nana Sahib. Really? इसे मारने से कुछ नहीं हासिल होगा। हमें mutiny की roots को खत्म करना है। वो है रानी लक्ष्मी बाई। Still, I can finish off the next generation, can't I? Nana Sahib, आप झांसी के हर उम्र के बच्चे को, चाहे newborn हो या pregnant woman, सभी यहाँ लेके आइए। We'll have a mass execution. सभी मारे जाएंगे। फिर यहाँ से रिपोर्ट करने में निशान मिट जाएगा। Go, move it. Let's go. Well, my boy, looks like your death has been postponed for a short while. But I promise you, I am going to kill you with my own two hands. Saheb, we need more force. Up, up the army, care. Soldiers, to depute, kijiye. हमारी सेना के और सैनिक कहाँ हैं? वीर क्रांतिकारियों, मृत्यु सबकी निश्चित है. आज, नहीं तो कल. परंतु एक बात याद रखना, जो लोग अपनी धरती माँ के लिए मंगल पांडे जी की तरह शहीद होते हैं, वो कभी मरते नहीं. सदैव अमर रहते हैं. युगों युगों तक जीते हैं। महारानी साहिबा, फिरंगियों से तो हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन उनके साथ हमारे सीमन साहब, हम उनके विरुद्ध बिल्कुल नहीं जा सकते। भटके हुए लोगों से हमारी बस यही प्रार्थना है कि वो हमारे राह में ना आए, और यदि कोई भी हमारे लक्ष्य या उद्देश्य के बीच में आया तो वो ना केवल हमारा बल्कि हमारी धरती का सबसे बड़ा शत्रु होगा. तो क्या हुआ यदि वो अपना दायित्व भूल गए? हम अपना दायित्व नहीं भूले, और कैसे भूल जाए? जिस मिट्टी में हमने अपना जन्म लिया है, हमें उस मिट्टी का ऋण भी चुकाना है. Oh my God, the Queen of Jhansi is outside the palace. How is she here? Nana Sahib. क्षमा कीजिए श्रीमंत साहेब,
हम तो सिर्फ शंका कर रहे थे। महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या जी हमें भड़का रहे थे, लेकिन हम इनकी बातों में आने वाले नहीं। हमने भी सौगंध खाई है कि हम इन क्रांतिकारियों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। ये सब पौशंक है और लूट को क्रांति का नाम देते हैं। तुझे क्रांति ढकोसला और लूटपाट लगती है। ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई हैं। इनके चरणों की धूल अगर तुझे मिल जाए तो तेरा जीवन सफल हो जाए। बस बस, पेशवा नाना साहिब, आपके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती और ना ही हम आपके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। या फिर ये भी कोई नया स्वांग रच रहे हैं आप हमें घायल करने के लिए? चाहिए कमिश्नरी में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, और यदि किसी ब्रिटिश सैनिक ने आपको यहां देख लिया तो आपको भी हमारी तरह विद्रोही समझेगा। चाहिए माँ अपने बच्चों के आचार व्यवहार से अधिक उनकी धड़कनों की भाषा समझती, और इस नाना का हृदय अपने देश, धरती और मिट्टी के लिए धड़कता है। बस श्रीमंत, हमें आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। देखिए श्रीमंत नाना साहेब, इससे पहले कि मैं अपना धैर्य खो दूं, जाइए यहां से, जाइए। चला जाऊंगा तात्या गुरु, इन्हें तो देखिए। कोई प्रश्न मत करना, मैं यहां लक्ष्मीबाई को छुड़ाने के लिए और तुम सबकी सहायता करने के लिए आया हूं। इन्हें तो पहचानते होंगे ना आप? मोहन सिंह, ये भी? तुम भी इनके साथ? नहीं तात्या गुरु, ये आपका शिष्य था, शिष्य है और मरते दम तक रहेगा, लेकिन इस समय ये मेरा दाहिना हाथ है। कहना क्या चाहते हैं आप नाना भाऊ? केवल इतना ही कि क्रांति की वल्गा केवल जोश, उत्साह और शक्ति से नहीं थामी जाती। आप सबने भावनाओं और शक्ति का सहारा लिया, उसी उद्देश्य के लिए हमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। मैंने कानपुर के कैप्टन हिल्डरसन से मिलकर सबके समक्ष यही प्रकट किया कि उनकी शर्तों को स्वीकार करते हुए मैं उनकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। इससे अंग्रेजों को मुझ पर विश्वास हो गया, जिसके कारण मैं गुप्त रूप से अपनी क्रांतिकारी योजनाओं को उनके विरुद्ध चलाने लगा। तुम्हारी बातों को सुनकर एक मृत व्यक्ति भी द्रवित हो उठता मनु, परंतु उस समय भी इसलिए चुप था कि यदि वहां मैं कुछ बोलता तो तुम सबके साथ मुझे भी बंद कर दिया गया होता, और फिर तुम्हें और झांसी को मुक्त कराने की मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाती। तुम्हें छुड़ाने के लिए मोहन सिंह के साथ मिलकर मैंने योजना बनाई। मोहन सिंह भी मेरी तरह अंग्रेजों का विश्वास पात्र बन गया था, इसीलिए ब्रिटिश सैनिक उस पर संदेह नहीं करते थे। इसी का लाभ उठाते हुए मोहन सिंह कारागार में गया। उसके पीछे तात्या गुरु और हमारे सैनिक छिपे थे। जीवन में पहली बार तात्या गुरु, आपसे नृशंस व्यवहार किया मैंने। क्या करता तात्या गुरु, उस समय कक्ष में नेल्सन को आते देख रहा था। आपके शिष्य ने वही किया जो उस समय उसकी दृष्टि में उचित था।
देवा जानता है, उस समय अंदर ही अंदर मैं अपने आप को धिक्कार रहा था। उनका विश्वास रखने के लिए अपनी मनु को पानी तक नहीं पीने दिया। रुक जाओ। छल से झांसी का प्रवेश द्वार खुलवा दिया और काका साहब को अपमानित होते पत्थर की तरह खड़ा देखता रहा। रुकिए, हमारी बनु को छोड़ दीजिए। Out of the way, old man. क्षमा कर दीजिए नाना बाबू, अपनी मनु को क्षमा कर दीजिए। हम आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। हमने आप पे संदेह किया, हमें क्षमा कर दीजिए। अगर कोई और होता तो जीवन भर हमसे घृणा करता। और तुझे क्या लगा तेरा नाना भाऊ तुझे इन फिरंगियों के पास तड़पने के लिए छोड़ देगा? जान दे देगा पर तुझे कुछ नहीं होने देगा। युवराज दामोदर के प्राण बचाने में सफल रहे। क्या हुआ हमारे दामोदर को? कुछ नहीं, दामोदर में हमारी छबीली महारानी लक्ष्मी बाई के सारे गुण। तुम्हें पता है नेल्सन की उसने दुर्गति बना दी। क्या? हमने दामोदर के प्राण थोड़ी देर के लिए बचा तो लिए परंतु नेल्सन की क्रूरता बढ़ गई। वो क्रांति की आग बुझाने के प्रयास में झांसी के सारे जन्मे अजन्मे बच्चों के सामूहिक नरसंहार करने जा रहा है। क्या? हमें आदेश दिया है कि झांसी के बच्चे और गर्भवती औरतों को सामने लाया जाए। मेरे सैनिक गए तो थे परंतु फिरंगी सैनिकों ने जो नुशंस व्यवहार उनके साथ किया उसे देखकर हम तिल मिला उठे मनु। फिर तो नाना भाऊ आप ही उन बच्चों और औरतों को बचा सकते हैं। नाना भाऊ ये फिरंगी अब तक नहीं जानते कि आप उनके साथ रहकर भी उनके विरुद्ध हैं। इस भेद को थोड़ी देर और छिपाए रहिए। इस प्रकार हमारे सैनिक दोनों पक्ष में रहेंगे और कुछ ही प्रहर में हम ऐसा आक्रमण करेंगे कि उस नेल्सन को पूरी दुनिया घूमती नजर आएगी।
हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नेल्सन ने आज के दिन को अपने जीवन का ऐतिहासिक दिन मानते हुए सारे तथ्यों को इतिहास के रूप में संचित कर लेने की योजना बनाई। उसने लिखवाया कि झांसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शुरू हुई क्रांति को सख्ती के साथ कुचल दिया गया। इससे बुंदेलखंड और आसपास की रियासतों को सबक मिलेगा कि ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जाने वालों का क्या हश्र होता है। इसे भी इन बच्चों के साथ में रखूं। रुक जाओ। बच्चे को हमें दे दो। ये हमारी जादू की छड़ी। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये झांसी की महारानी का पुत्र है। हमने कहा हमें दो। अनर्थ ना हो जाए, समय निकला जा रहा है, मनु शीघ्र। रुक जाओ। छोड़ दो इन्हें। लक्ष्मी बाई यहां खड़ी है। जरूरत नहीं है। आज तुम सब अपनी रानी को अपने आंखों के सामने मारते देखोगे।
तुम सब अपनी रानी को अपने आंखों के सामने मारते देखो। हे देवा, मनु कहाँ हो तुम? तेरा सपना सपना ही रह जाएगा नेल्सन। महारानी लक्ष्मी बाई को तू कभी नहीं मार पाएगा। तू तो ये भी नहीं जानता कि मौत तेरे पीछे ही खड़ी है। You shut up, woman. मौत तो आपके सामने खड़ी है। लक्ष्मी बाई की भी और तुम्हारी भी और इन सब की भी। Ready? हाँ साहब, तैयार। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई नहीं है। ये कोई और स्त्री है। मैं उसे बचपन से जानता हूं। देखो इसकी आंखों में। ये महारानी लक्ष्मीबाई नहीं हो सकती। What the hell is wrong with you? I said execute! ये सब क्या हो रहा है? नाना नहीं, पिठुर के पेशवा श्रीमंत सरकार और तुम्हारा योर मेजेस्टी। नाना साहेब ढोडोपंत पेशवा है हम। हतु सब हिंदुस्तान की धरती तुम सबसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मुझे क्या लगा था तीक्ष्ण बुद्धि और चालाकी केवल तुम फिरंगियों के पास। अरे हम पेशवा हैं, राज करना भी जानते हैं और तुम्हें तुम्हारी औकात भी अच्छी तरह बताना जानते हैं। आज तुझे पता चलेगा महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जाने का परिणाम।
महारानी लक्ष्मीबाई की, स्वतंत्र हिंदुस्तान की, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की, स्वतंत्र हिंदुस्तान की, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की, स्वतंत्र हिंदुस्तान की, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की। Nobody comes near me. I will kill the Prince of Jhansi. Nobody comes near me. I said I'd finish off the whole next generation. I'll start with him. दया शब्द का अपमान नहीं कर सकते। अरे तुझ जैसे गिरे हुए व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार लक्ष्मी बाई के पास नहीं है। तुझ जैसा गिरा हुआ व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि उसे क्षमा किया जाए। परंतु तू लक्ष्मी बाई की शरण में आया है और हम तुझे निराश नहीं होने देंगे। नहीं मलिका साहिबा, इसे सजाए मौत दो। नहीं महारानी साहिबा, नाग है ये नाग, कुचल डालिए इसके फन को। मारिए, मार डालिए। हाँ भाई साहिब, इसके अपराधों का एक ही दंड है और वो है भयानक मौत। नहीं ताते गुरु, इस इंसान को इतनी आसान मौत नहीं देंगे हम। इसके तुच्छ खून से हम अपनी झांसी की मिट्टी को अपवित्र नहीं कर सकते। भाग, भाग, भाग! भाई साहब, भाग सकता है तो भाग, यदि हमारे हाथों से बच सकता है तो बच। भाग, भाग लेसन, भाग, भाग नेल्सन, भाग फिरंगी, भाग, भाग, भाग फिरंगी, भाग। समय भी भाग रहा है, तू भी भाग। हमने माँ दुर्गा की सौगंध ली है, आज सूर्यास्त के साथ तेरे जीवन का सूरज भी डूब जाएगा। भाग, 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 भाग फिरंगी, भाग, भाग, बांग तिरंगी, बांग तिरंगी, बांग तिरंगी, I made it. I'm safe. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev.
चाहता था ये दुष्ट, अब तो भुगत परिणाम। ये पापी हमारे बेटे को मारना चाहता था। अरे अब मार के देख। आर महादेव, 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 आर के पैरों के नीचे कुचलवाना चाहता था ना, पूरे हिंदुस्तान से क्रांति की आग बुझाना चाहता था ना। देख, देख अब समय ने तुझे कहां लाके खड़ा कर दिया है नेल्सन। जय